ये क्या मामला था बड़ापुर का, जो भी मामला है? देखिए, थाना बड़ापुर में एक इस्लामाबाद नाम का गाँव है, जहाँ 26 तारीख की सुबह की एक घटना है। वहाँ एक लड़का लड़की में एक प्रकरण चल रहा था काफ़ी समय से, जिसमें लड़की पक्ष काफ़ी नाराज था, और उसने जो है लड़की पक्ष ने लड़का पक्ष के घर जाकर सुबह काफ़ी मारपीट की, और ये भी उसके बाद तत्काल अगले दिन पुलिस पहुंची। लेकिन लड़का पक्ष ने काफ़ी उसके साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया था, लेकिन लड़का पक्ष ने केवल मारपीट की बात बताई, जिस पर पुलिस ने FIR आज SDM साहब के साथ, मैं स्वयं मौके पर गया और घटनास्थल जाँच की। वहाँ कुछ नए तथ्य भी सामने आए, जिसमें उसके साथ उनके परिवार के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जूतों की माला पहना के साथ पुलिस की ये चीज़ें भी सामने आई, जो कि वो बता नहीं रहे थे, वह उन्हें विश्वास में लेकर पूछा गया, वो डरे हुए थे। तो ये चीज़ें भी सामने आई, इसने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है, दबिश भी दी गई है। इसमें लड़की पक्ष के जो लोग 7 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दी गई है, वो लोग लाल गाँव में नहीं है। हमने उस पक्ष लड़का पक्ष जो पीड़ित पक्ष है, उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस भी तैनात की है, ताकि किसी प्रकार का भय असुरक्षा के भावना उनके मन में ना आए। कोई गिरफ्तारी हुई है? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन शीघ्र ही कार्रवाई कर ली। सर, अभी भी ग्राम पंचायतों में इस तरह के तुगलकी फरमान जो सुनाए जा रहे हैं, आप क्या मानते हैं संवैधानिक आधार पर किस तरह से आप इसको देखते हैं? बिल्कुल ही गलत है, असंवैधानिक है, और बिल्कुल भी ये देखिए, और यदि लड़का पक्ष शुरू नहीं आपको बता देता तो बहुत जल्दी कार्रवाई की जा सकती थी। लेकिन गाँव के लोग भी, किसी ने नहीं बताया, वो भी सब एक तरीके से उनमें एकजुटता की भावना थी, वो सब ये लड़की पक्ष के साथ थी, लड़का पक्ष अकेला था वहाँ पर, अकेला पड़ गया था, और वो खुद भी नहीं बता रहे थे इस चीज़ को। अगर वो ऐसा बताते तो कार्रवाई बहुत तेज़ी के साथ की जाती। सर, जो ये घटना जूतों वाली या गांव में घुमाने वाली घटना हुई है जूते डाल करके, आप क्या मानते हैं कि अब जो है इसको आधार मानते हुए संबंधित धाराओं में इसमें मुकदमा दर्ज हो? बिल्कुल, हम जो भी विधि विशेषज्ञ से राय लें कि जो भी इसमें अगर संगत धाराएँ बनेंगी, उनके पंजीकृत किया जाएगा, कार्रवाई।